Dear students, this is S.K. Shukla. This is the fifth video class of subject verb agreement. Subject verb agreement का ये पांचवा क्लास है. लास्ट क्लास में हमने 15th रूल को स्टडी किया था. आज हम उसके आगे नेक्स्ट रूल जो है 16th रूल उसको देखेंगे. 16वां रूल देखेंगे. अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आता है, तो ऐसे सारे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग हम किसके हिसाब से करेंगे? तो हम वर्ब का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद आने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से करेंगे. यानी वर्ब के बाद आने वाला यही नाउन या नाउन इक्विवेलेंट यही आपका सब्जेक्ट होता है. ये नाउन या नाउन इक्विवेलेंट या प्रोनाउन जैसा भी होगा उसके हिसाब से ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे. अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये नाउन या नाउन इक्विवेलेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे. तो ये किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इस पैटर्न पे, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इस पैटर्न पे बेस्ड हो उसमें हम वर्ब इस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से लगाएंगे. जैसे इस एग्जांपल को देखिए, मैं यहां दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं. व्हाट, यहां पे वर्ब के लिए मैं ब्लैंक स्पेस दे रहा हूं. क्वेश्चन वर्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है, हु, हुम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. तो जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा, व्हाट ब्लैंक द बॉय ब्रॉट, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हूं व्हाट ब्लैंक द बॉयज ब्रॉट. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों में अगर मैं आपको दू वर्ब का ऑप्शन एक जगह हैज का और हैव का, तो आप किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तो जब हम पहले वाक्य को एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं तो देख रहे हैं कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन जो है ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पे बॉय के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, हैज. तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी लाइक दिस, व्हाट हैज द बॉय ब्रॉट. लेकिन इस सेंटेंस में आने वाला नाउन प्लूरल है, इसलिए यहां पे बॉयज की जगह के लिए हम हैव का यूज करेंगे. तो इजिली हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग उसके तुरंत बाद आने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस पैटर्न पे बेस्ड हो तो हम वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से लगाएंगे. तो अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 17वें रूल की तरफ. लेट्स सी. ग्रामर में दो डमी सब्जेक्ट होते हैं. एक का डिस्कशन लास्ट क्लास में हमने किया था. दूसरा जो डमी सब्जेक्ट होता है वो होता है इट. टेक ए लुक एट इट. ये आपका 17वां रूल है. इट भी एक डमी सब्जेक्ट है. तो इट के बाद लगने वाला जो वर्ब होता है, दिस हैज टू बी ऑलवेज सिंगुलर. ये हमेशा सिंगुलर होता है, भले इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या कोई भी नाउन इक्विवेलेंट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो बस इट के संदर्भ में, इट इज ऑल्सो अ डमी सब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ डमी सब्जेक्ट लाइक देयर. देयर की तरह यह भी एक डमी सब्जेक्ट ही है. तो इट में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, भले ही इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो. जैसे अगर मैं सेंटेंस एक लिखूं, इट डिपेंड ऑन यू, इट डिपेंड ऑन यू. तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट इट है, वर्ब हम कैसे लगाएंगे, सिंगुलर. ये वी1 है, प्लूरल है, तो इसको काट के हम डिपेंड की जगह डिपेंड्स कर देंगे. इट डिपेंड्स ऑन यू. इस एग्जाम्पल को देखिए, इट वेयर या इट वर द स्टूडेंट्स, इट वर द स्टूडेंट्स. तो सेंटेंस तो ठीक लग रहा है, स्टूडेंट्स के हिसाब से लग रहा है कि वेयर जो है सही है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है इट है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए वर्ब को काट के हम यहां पे वॉज का यूज करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाए, इट वॉज द स्टूडेंट्स. इवन इफ द noun following the verb is plural, we have to use singular verb here. We have to keep this in back of our mind that after it we always use singular verb. अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, 18वें रूल की तरफ.
18वां रूल देखते हैं हम लोग। तो 18वां रूल जो है ये कंट्री के विषय में है। अगर कोई कंट्री हो या कोई स्टेट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेंटेंस में हम वर्ब जो लगाते हैं ये सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये हम रूल जानते हैं पहले से। जैसे अगर मैं कहूं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहां इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडिया है और वर्ब हमने कैसे लगाया है? सिंगुलर। अगर कोई कंट्री प्लूरल से भी इन करता है तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं मालदीव्स, मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहां मालदीव्स प्लूरल से इन कर रहा है फिर भी वर्ब हमने कैसे लगाया? सिंगुलर। उसी तरह कोई स्टेट सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगता है। अगर मैं लिखूं कि झारखंड इज अ मिनरल रिच स्टेट, झारखंड इज अ मिनरल रिच स्टेट, तो यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट एक स्टेट है, वो हमने कैसे लगाया है? सिंगुलर। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि सार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ब हमने कैसे लगाया? सिंगुलर। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई कंट्री हो, स्टेट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। बट 18वां रूल ये बात नहीं कर रहा है। अब जरा असली रूल जो है उसको देखिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, अगर किसी कंट्री, स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन का स्पोर्टिंग सेंस में यूज किया जाए, स्पोर्टिंग सेंस यानी स्पोर्ट्स के सेंस में अगर यूज किया जाए, तो उस केस में यहां पे वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा। जैसे इफ आई डिस्कस अ सिचुएशन, इफ देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया विन द मैच, देन व्हाट वी हैव टू से, वी से दैट इंडिया have won the match। यहां पे वही कंट्री इंडिया है जिसका, जिसके साथ पीछे मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया था और यहां पे मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है। तो स्पोर्ट्स के सेंस में कंट्री के साथ या किसी स्टेट के साथ, अगर मैं लिखूं कि झारखंड आर दिस ईयर्स रणजी चैंपियंस, रणजी चैंपियंस, तो यहां पे झारखंड का भी स्पोर्ट्स के सेंस में यूज हो रहा है, वर्ब मैंने कैसे लगाया है? प्लूरल। अगर मैं लिखूं कि केकेआर, या मैं केकेआर की जगह मुंबई इंडियंस लिखूं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स खेलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स प्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन, माइंड यू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स प्ले करता हूं। अगर मैं लिखूं कि मुंबई इंडियंस हैव वन आईपीएल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर स्पोर्ट्स के सेंस में कंट्री, स्टेट या किसी स्पोर्ट्स प्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई डू वी यूज प्लूरल वर्ब? क्योंकि यहां पे प्लूरल वर्ब इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पे ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करने लगता है और यहां पे इसके कंस्टिट्यूएंट्स रेफर होने लगते हैं। जैसे इंडिया जब क्रिकेट खेलता है तो उसमें 11 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे प्लेयर्स को रेफर करने लगता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अगले रूल को हम लोग देखते हैं, 19वां रूल, इसको जरा देखें। मैं 19वां और 20वां दोनों एक साथ आपको बता रहा हूं क्योंकि दोनों जो है
एक तरह का कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, एक तरह का उनका बनावट है। तो 1920वां में एक साथ लिख रहा हूं, इसको देखिए, नन प्लस बट प्लस नाम। एंड दूसरा पैटर्न जो है नथिंग प्लस बट प्लस नाम। ये दो पैटर्न है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि किसके साथ किस तरह का वर्ब का हम प्रयोग, इस पैटर्न में हम वर्ब का प्रयोग और इस पैटर्न में वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब मैंने नाउन लिखा है, नाउन लिख दिया, इसका मतलब कि नाउन इक्विवेलेंट अपने आप यहां पे रेफर हो जा रहा है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब जरा इस एग्जाम्पल को, इस स्ट्रक्चर को समझिए कि नन जो है हमेशा पर्सन को रेफर करेगा और नथिंग जो है थिंग को रेफर करेगा। और यहां पे नन जो है पर्सन को कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूसिवली फोकस करेगा। कैसे? अब एक चीज और समझ लीजिए कि इस पैटर्न में बट जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो होता है दो क्लाउज को आपस में जोड़ता है, और इस पैटर्न में बट जो है ये प्रीपोजिशन है। तो बट जब कंजंक्शन होता है तो इसका अर्थ लेकिन होता है, लेकिन जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो के अलावा या एक्सेप्ट का सेंस ये देता है। तो किसी वाक्य की शुरुआत नन बट से हो तो उसमें वर्ब का प्रयोग जो करेंगे ये इस नाउन के हिसाब से होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन नथिंग बट वाले पैटर्न में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब इस जरा इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तहत। तो यहां पे इस पैटर्न में, नन बट वाले पैटर्न में, हेडवर्ड जो है ये आपका नाउन है, दिस इज द हेडवर्ड। क्योंकि यहां ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद एक नया क्लाउज शुरू हो रहा है, और जब भी नया क्लाउज शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, और इसलिए वर्ब उसके हिसाब से लगाते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ये जो आने वाला नाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, और इसमें हेडवर्ड जो है ये नथिंग है, दिस इज द हेडवर्ड। यहां पे हेडवर्ड नाउन है और यहां पे नथिंग है। नथिंग सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, नन बट राकेश इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नन बट राकेश इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का सेंस क्या है? कह रहा है कि नो वन इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बट राकेश इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो यहां दो सेंटेंसेस को एक साथ बट कंजंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर सेंटेंस में पूरा फोकस जो है ये राकेश के ऊपर है। कह रहे कोई दूसरा आदमी इस काम को करने में सक्षम नहीं है, पर राकेश है। तो देयर इज अ फोकस ऑन दिस पर्सन एंड दिस इज द हेडवर्ड, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड वर्ब अकॉर्डिंग टू राकेश। लेकिन नथिंग बट वाले पैटर्न में पूरा फोकस जो होता है ये थिंग पे होता है। ये जो नथिंग जो इस थिंग को रेफर कर रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस होता है, और चूंकि हेडवर्ड नथिंग होता है सिंगुलर है इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, भले ही बट के बाद आने वाला नाउन जो है ये प्लूरल ही क्यों ना हो। चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, इसलिए वर्ब नथिंग हेडवर्ड के हिसाब से हम लगाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं लिखूं कि नथिंग बट प्रॉमिसेस आर मेड बाय आवर लीडर्स, नथिंग बट प्रॉमिसेस आर मेड बाय आवर लीडर्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बट के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, और शायद उसी को देखते हुए यहां पे भर आर लगा दिया गया है। लेकिन सेंटेंस जो है ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। यहां पे आर की जगह इज करेंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा, भले ही ये नाउन प्लूरल क्यों ना, क्योंकि इस सेंटेंस में हेडवर्ड जो है नथिंग है। कह रहा है कि ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वादाओं के अलावा कुछ नहीं किया जाता है हमारे लीडर्स के द्वारा। सेंटेंस कह रहा है कि लीडर्स कुछ नहीं करते हैं वादाओं के अलावा। तो यहां पे आप देख सकते हैं हेडवर्ड नथिंग होने की वजह से वर्ब इसमें सिंगल लगा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने
20 रूल तक बताया है, इसके आगे मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू सो मच।